दमोह जिला मुख्यालय पर वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला एवं नगर इकाई दमोह के माध्यम से संभागीय अध्यक्ष की मौजूदगी में उन महिलाओं का सम्मान किया गया जो समाज में संघर्ष के साथ अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा रही हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। ऐसी कुछ महिलाओं का वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई के द्वारा जहां स्वागत सम्मान किया गया, उनको उपहार प्रदान किए गए और वहीं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही वैश्य महासम्मेलन की नगर और जिला इकाई के द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि उन महिलाओं को जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने का प्रयास वैश्य महासम्मेलन करेगा। ऐसे में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश महिला जिला एवं नगर इकाई के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजित कर इन महिलाओं का न केवल सम्मान किया गया बल्कि समस्त वैश्य समाज के समस्त सदस्यों को गुल्लक दे करके पैसा एकत्रित करने की सीख भी दी गई। इसके पीछे इनका लक्ष्य केवल इतना है कि महिलाएं पैसों का संग्रहण करें, अपव्यय ना करें, जिससे वे अपने परिवार को आगामी दिनों में और अन्य परेशानियों से बचा सकें, खर्चों से बचा सकें और एक अच्छे जीवन का निर्माण अपने बच्चों का कर सकें। गुल्लक देने का उद्देश्य यही था कि महिलाएं अब इस ओर आगे बढ़ें कि वो अपव्यय को रोक करके धन संग्रहण करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। महिलाओं का सम्मान किया गया, साथ ही सभी का इस दौरान सम्मान किया गया। मोरगंज गल्ला मंडी में सुनीता गुप्ता के निवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। पैसे जोड़ें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए खर्च करें। भगवान की दया से मेरे पास है और जब जरूरत पड़ेगी तो हम सब बहनों के आगे हाथ फैलाएंगे। अभी मेरी प्रेरणा यही, जो मैंने गुल्लक दिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ें, आगे चले बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्च लगता है, इसीलिए मैंने ये गुल्लक दिए हैं। वैश्य महिला इकाई मातृशक्ति बहनों के द्वारा हम लोग महिला कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हमने जो महिलाएँ संघर्षमय संघर्ष से उठी हैं उन महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। वैसे तो सभी महिलाएं संघर्ष करती हैं तब कहीं आगे बढ़ पाती हैं, तो हम सभी महिलाओं का भी सम्मान कर रहे हैं इसमें। और महिलाएं कभी किसी से कम नहीं, और मेरा मानना है कि महिलाएं हमेशा आगे बढ़ती रहें, कभी ये नहीं सोचे कि हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर काम असंभव है, हर काम कर सकते हैं। और हमें यही प्रार्थना है, जैसे आज एक महिला ने बताया, मैं अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष कर रही हूँ और मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि जब भी आपको कोई परेशानी हो या बच्चों की फीस के लिए परेशानी हो, आप हमें वैश्य महिला इकाई की सभी महिलाओं को बताएंगे
तो हम उनकी बच्ची की फीस भी आगे भर देंगे और आगे पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये नहीं सोचे हम सब महिलाएं एक हैं और एक दूसरी महिलाओं का कष्ट हम लोग समझेंगे और सभी महिलाओं को इसी तरह धन्यवाद देते हैं महिला दिवस की और सभी आगे बढ़ें। वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई जिला इकाई एवं नगर इकाई दोनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन में अपने संघर्ष के द्वारा अपने परिवार को पाला है, आगे बढ़ाया है। इसमें ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एकल माता पिता दोनों की भूमिका स्वयं निभाकर और जीवन अपना संघर्ष में चला रही हैं और निभा रही हैं, अभी अपने बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। तो ऐसी महिलाओं का सम्मान महिला इकाई द्वारा किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि समस्त महिलाएं सशक्त बने। हर महिला अपने आप में परिपूर्ण है और संघर्ष के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं हम सभी। और महिला इकाई के द्वारा जो भी हम सहयोग हो सकता है महिलाओं का आगे भी करने का उन्हें आश्वासन देते हैं, दिलाते हैं कि हम से जो बनेगा वो जरूर उनके साथ मदद करेंगे जो भी इनको ज़रूरत होगी। ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। सुनीता जी की जिलाध्यक्ष सुनीता जी के घर में आज महिला दिवस हम लोगों ने मनाया और विपरीत परिस्थितियों में इन महिलाओं का जो संघर्षशील थी महिलाएं, इनसे हम लोगों ने प्रेरणा ली। इनके शब्द सुने जब तो हम लोगों को एक ऊर्जा का एहसास हुआ कि विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे निभाए करेंगे। मान लो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी परिस्थिति घटे, लेकिन इनसे ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और महिला दिवस पर सब लोगों ने एक दूसरे को पीठ थपथपाकर शुभकामनाएं दी और आज का दिन ये कहना चाहते हैं कि एक ही दिन नहीं रहे महिला दिवस, हर दिन महिलाओं का सम्मान हो। केवल मतलब 8 मार्च महिला दिवस बन के ना रह जाए, प्रतिदिन सभी लोगों से आह्वान है कि महिलाओं का भरपूर सम्मान दें और भेदभाव महिलाएं जो आपस में करती हैं वो भेदभाव ना करें। महिला एक महिला को पीड़ित कर रही है ऐसा महसूस है इस जीवन में, तो वो एक दूसरे को पीड़ित ना करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व महिला इकाई द्वारा सभी महिलाओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक छोटे से रूप में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है कि जो महिलाएं एकल व्यवस्था से अपना परिवार में बच्चों को सुसंस्कार शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बना रही हैं उनका हम लोगों ने सम्मान किया और उनसे कुछ सीखा भी है कि जीवन में अगर समस्याएं आए तो पीछे नहीं हटना है, डट कर मुकाबला करना है। अपने जीवन, अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी कुछ हमें करना है। ऐसी भावनाओं के साथ मैं उन सब महिलाओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। महिला दिवस की बधाई महिलाओं के लिए और पुरुषों को भी, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के बगैर कुछ नहीं है। सभी महिलाओं के लिए बधाई दे रही, मगर मैं पुरुषों को भी बधाई देती हूँ क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है और हमारे बिना वो कुछ नहीं है। धन्यवाद। शक्तियों को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो औरों के लिए जिए तो मिसाल बन जाए, जो औरों के लिए जिए तो मिसाल।